मेरे को जब पता चला वेंजी ने यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, तो मुझे लगा यार हमारी तो सरकार ही नहीं है गोवा में, इसने मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोल दिया? तो पता चल रहा डोनेशन से खोल दिया। आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिना गवर्नमेंट के हम सरकार चला रहे हैं, पंजाब में सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, हमारे पास तो सरकारी पैसा है। मैंने अगर 550 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दवाइयां फ्री कर दी, मैं कर सकता हूं बिकॉज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। पंजाब में हमने 800 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारी दवाइयां फ्री कर दी, वो कर सकते हैं, सरकार हूं। इसने कैसे कर दिया अपनी विधानसभा के अंदर, और अभी तीन तो आज देखे, चार मोहल्ला क्लिनिक इसने खोल दिए। तो उससे आज जब मैं अंदर गया, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कैसे चलता है ये, तो बोला सर डॉक्टर्स एंड फ्यू मेडिसिंस आर प्रोवाइडेड बाय अ हॉस्पिटल, दूसरी फ्यू मेडिसिंस इज प्रोवाइडेड बाय अ फार्मेसी, तो इधर से उधर से जुगाड़ पानी करके इसने एक मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। कुछ डोनेशन लेता है, कुछ दवाइयां लेता है, किसी के डॉक्टर चुरा लेता है, किसी का कुछ कर लेता है, किसी का कुछ कर लेता है। हेयरिंग एड पूना से महाराष्ट्र से पूना से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आते हैं और वो हेयरिंग एड चेक करके जाते हैं। हफ्ते में एक बार इनका आंखों का वो चेकिंग होती है, उसके बाद कैटरेक्ट ऑपरेशंस हमने मिले, अभी 4-5 लोगों से मिले जिनका पिछले कुछ दिनों में कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री हुआ है। कौन कराता है, कौन मोहल्ला क्लिनिक चलाता है? जिनकी सरकार है गोवा के अंदर, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए आपके लिए? किसी भी जो रूलिंग पार्टी के, अब तो 35 एमएलए है रूलिंग पार्टी के, हैं 33 एमएलए है रूलिंग पार्टी के, इन 33 एमएलए के किसी एमएलए के यहां मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है? गोवा सरकार ने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाए? गोवा सरकार ने आपके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया? नियत ही नहीं है उनकी काम करने की, इसकी नियत है काम करने की, आम आदमी पार्टी के एमएलए की नियत है काम करने की। तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सरकारी पैसा नहीं है, फिर भी जुगाड़ पानी करके उसकी भावना सेवा करने की है, सर्विस करने की है, लोगों का दिल जीतने की उसकी भावना है, इसीलिए उसने ये मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तो ये दिखाता है कि अगर आम आदमी पार्टी की फुल गवर्नमेंट बन गई गोवा के अंदर तो क्या नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जो आज तक आपने जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे।